हमारे सारे ऑटो वाले अंदर आप देख रहे लाइव गेनी गैलेक्सी में, ये देखिए अटल मूवी देखने के आने के बाद। अशोक सर बताइए कैसी लगी मूवी? देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैंने देखी है मैं हूं अटल। दोस्तों हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ये मूवी बनी है। सबसे पहले तो मैं बहुत दुख हूं और दुख मुझे ये है कि हमारे जो है मतलब एक लोकप्रिय नेता मतलब जो आज जो है नहीं है लेकिन उन्होंने जो है देश के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ देखे गई है जो कि आज बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को यहाँ रहना चाहिए। दोस्तों ये है और पब्लिक जो है थिएटर में नहीं है वो मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इतने बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर इतनी अच्छी मूवी बनी है दोस्तों। मैं देख करके आज तक मुझे जो नहीं सीखने को मिला था ये मूवी देख के मुझे सीखने को मिला। दोस्तों देखा जाए तो ये बचपन से ही इनकी जो है पूरी की पूरी जो है कहानी पूरा ये कैसे मतलब लड़े और कैसे मतलब बीजेपी सरकार और जो कि जनता संघ फिर उसके बाद जनता फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन कैसे हुआ और कैसे किस चीज़ जो है देश के प्रति जो है ज़्यादा सोचने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों ये मूवी देखने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा जो है सोचने वाले नेता चाहे गद्दी रहे चाहे ना रहे लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा जो है देश के बारे में ही सोचते थे कि हमारे जो है गरीब लोग के बारे में कुछ अच्छी होनी चाहिए कुछ आगे और कुछ अच्छा होना चाहिए क्योंकि यही थे। अगर कांग्रेस जो है 70 साल से अगर उनकी ही प्रति अगर कुछ सोचती थी तो आज जो है बीजेपी सरकार वापस नहीं होती। दोस्तों ये छोड़ दीजिए ये मैं बाद में पहले मैं आपको बता दूँ मूवी इतनी अच्छी लगी ना दोस्तों। जो पंकज त्रिपाठी ने जो काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब उनके रोल में मानना पड़ेगा उन्होंने सेम टू सेम ये किया है। और इसके अंदर और भी एक मैं आपको बात बता दूं इसके अंदर ये भी देखने को मिला कि जो भी पहला काम जो है परमाणु का किया था वो भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था अब्दुल कलाम सर को लेकर के। दोस्तों पोखर में जो इसके जो मतलब परीक्षण हुए थे वो भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मतलब इतने सालों से जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सिर्फ बात का बतंगड़ बनाया और हमेशा जो है लीपापोती किया लेकिन कभी भी जो है देश के बारे में कुछ नहीं हमेशा हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया है। लेकिन सोचने वाले थे हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी आज जो है उनकी सोच जो है एकदम अच्छी निकली और आज जो है उनका सपना पूरा हो गया। दोस्तों आज नहीं है हमारे बीच लेकिन उनकी आत्मा जो है खुश होगी। खुश इसलिए होगी कि उन्होंने जो सोचा था उनके प्रति सब काम हो रहा है। दोस्तों एक ही मैं बात बोली ये मूवी से बहुत कुछ मुझे ये सीखने को मिला लेकिन पब्लिक नहीं है वो मुझे बहुत बड़ा दुख है। और मैं यही आग्रह करूँगा कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आओ और आपके इतने बड़े नेता थे जो आपके लिए सोचे जनता के लिए सोचे हमेशा जो है जनता के बारे में ही उन्होंने सोचा मरते दम तक उन्होंने जनता के बारे में सोचा और सोचते नहीं रहे। दोस्तों ये मूवी में जो है मैं पढ़ाई नहीं किया ज़िंदगी भर जो है मूवी देखते आया कभी इतिहास के बारे में नहीं कभी जाना लेकिन ये मूवी देख करके मुझे जो है लगा कि मैं कुछ इतिहास जान चुका हूँ क्योंकि मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ती है इसके लिए मुझे नहीं मैं कभी पढ़ा नहीं लेकिन ये मूवी देख करके मुझे ये लगा कि हर एक पब्लिक को ये मूवी देखनी चाहिए। क्यों? ये मूवी देखने से उन्हें ये प्रति होगा कि हिंदू मुस्लिम जो है धरती पे इधर इंडिया में जो है लड़ने के लिए नहीं एक दूसरे के साथ रहने के लिए है। जो कि पहला बस यात्रा जब अटल बिहारी वाजपेयी 98 में आए थे तो बस यात्रा कौन चलाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। बस में बैठ के कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो ये जो है एक जो है मतलब है एक करीब करने के लिए और एक जो है मतलब मिल के रहने के लिए प्रेरणा कौन दी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो दोस्तों इन्हें मत भूलो। आज जो देखा जाए तो इस इंडिया को जो है जो बोलते हैं ना सोने की चिड़िया सपना कौन देखा? इन्होंने देखा। आज जो है जब वो 2 सीट मिलते थे तभी भी खुश थे आज जो है 60 सीट मिले तभी भी खुश थे नहीं मिलता था तभी भी खुश थे 1 सीट से हारे तभी भी खुश थे। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कुछ समझा के गए और एक कवि थे कवि एक जो है लास्ट में जब प्रधानमंत्री 10 साल तक थे उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया इसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए। ये मूवी जो है बहुत कुछ दिखाती है और ये देख करके जैसे लगा कि पंकज त्रिपाठी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को देख रहा हूँ। एक्टिंग बहुत अच्छा उन्होंने किया और
हर एक सीन जो है बहुत सही तरीके से, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब पहली बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वहाँ पे जो है बनना था अटल लाल कृष्ण आडवाणी को, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं बनते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को बैठाया। आज भी जो है वही खिस्सा चालू है। बीजेपी जो है काम देखती है, कार्यकर्ता देखती है, ये नहीं देखती कि वो नगर सेवक है कि बीजेपी एमएलए है। डायरेक्ट अगर वो आदमी काम करता है तो उसे डायरेक्ट जो है संसद भी बनाता है, मंत्री भी बनाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिजल्ट है हमारे यहाँ के मनोज कोटक थे, एक नगर सेवक थे, उनको डायरेक्ट जो है जब उनका काम देखे तो डायरेक्ट उनको संसद में डायरेक्ट उनको बैठा है। तो ये मैं मानूंगा कि सही है। बीजेपी जो है लीपापोती नहीं करती कि जो चल रहा है वही चलने दे, जो काम कर रहा है उसको चांस दो। तो दोस्तों आज जो है जो इसमें अयोध्या के बारे में जो बताया सब कुछ, आज मैं सब बोलूँगा, मेरे दिल की इच्छा सब मैं बोल डालूँगा। वीडियो बड़ी हो रही है, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है एक ऐसी मूवी देखने को मिली है कि आज जो है मुझे ये मालूम पड़ा कि अपने देश का इतिहास कौन है और हमारे धरती का जो है, हमारे इंडिया का जो है सपना कौन देखा, अटल बिहारी वाजपेयी देखे। तो मैं यही बोलूँगा, पहली बार है कि इसके अंदर और भी जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि जो इन्होंने देख के गया, जो बोल के गया, आज जो है सत्य इसमें यहाँ तक बताया, गोली चली उसके ऊपर भी राजनीति हुई, यहाँ पर जो हर एक चीज़ हुआ, लेकिन अब जो है उनका सपना पूरा हुआ, बिना मार काट किए, बिना कुछ लफड़ा हुए, बिना पब्लिक मरे, जो भी हो, आज अयोध्या का जो है 22 तारीख को प्रस्थिति, मतलब 22 तारीख को रामलला आने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जो है स्वर्ग से देख रहे होंगे कि आज जो है मेरा सपना पूरा हुआ। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सपना कौन देखता था, अटल बिहारी वाजपेयी देखते थे। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मूवी देख करके, और जो है अटल बिहारी वाजपेयी को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने रोल किया। तो दोस्तों इस मूवी को जो है मैं पूरे के पूरे जो है 5 स्टार देता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि हर एक पब्लिक, हर एक फैमिली, हर एक बच्चे बच्चे को ये मूवी देखनी चाहिए। तो दोस्तों बस इतना मैं चाहूँगा, ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।